हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं तीन बड़े बैंकों के बारे में। पिछले कुछ दिनों में यहां पे एक अच्छा खासा जो करेक्शन है वो बैंक निफ्टी में और खासकर इन तीन बड़े बैंकों में ऊपरी लेवल से देखने को मिला है। क्या यहाँ पे इतने बड़े करेक्शन के बाद एक अच्छी खासी पोजीशन बनाने का सही समय आ गया है? क्या वेट करना चाहिए? कौन से ऐसे लेवल हैं जिनके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए? सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, टारगेट, सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहले बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक का। दोस्तों, आपको पता है कि जब ये बैंक 2020 के शुरुआत में 500 550 रुपए के आसपास कामकाज करता था, तो उस समय बड़े बड़े ब्रोकरेजेस हाउस के जो टारगेट आते थे वो 600 700 800 रुपए के आते थे। और वहाँ पे सारे लोगों को ये जो बैंक था बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था और लगता था कि सारी खुशी तो जो है सिर्फ इसी बैंक में है। लेकिन जिस तरीके की मार्च में एक तेज गिरावट देखने को मिली और उसके बाद एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद पिछले हफ्ते एक ब्रेकआउट होने की कोशिश हुई थी, स्टॉक ने छुआ था अपने 200 डीएमए के लेवल के आसपास, लगभग जो कि 420 422 के आसपास का था। और उसी दिन फिर एक इंडिया चाइना के बीच जो बॉर्डर की टेंशन वाली खबरें आती हुई दिखाई दी और ऊपरी लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग हुई और एक बड़ी बेरिश कैंडल जो है उस दिन की बनती हुई दिखाई दी, और उसका लगातार स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला देखने को मिला हमको। अगर हम जूम करके यहां बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लगातार पिछले 5 6 दिनों 7 दिनों से स्टॉक एक नेगेटिव ट्रेंड के साथ कामकाज कर रहा है। लेकिन आज यहाँ पे जो है 5 डीएमए और 20 डीएमए का जो क्रॉसओवर है नेगेटिव साइड में होने की संभावना लग रही है, यानी कि कल की जब कैंडल ओपन होगी और नीचे एक साइड हुई तो ये डेफिनेटली एक नेगेटिव क्रॉसओवर होगा। और साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं एमएसईडी पे तो एमएसईडी ने ऑलरेडी ही यहाँ पे एक नेगेटिव क्रॉसओवर जो है दिखा दिया है। कहीं ना कहीं जो सिग्नल एमएसईडी लाइन है उसने सिग्नल लाइन के नीचे यहाँ पे क्रॉसओवर दे ही दिया है, तो कहीं ना कहीं ये पहला बेरिश सिग्नल इस बैंक में निकल के आता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें लेवल्स की, सपोर्ट की, कि कहाँ इसको सपोर्ट है, तो दो बहुत बड़े सपोर्ट जो लेवल है यहाँ पे वो आपके लिए अगर हम बात करें तो एक 360 रुपए के आसपास का है जहाँ पे स्टॉक रुक सकता है, और अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो उसके बाद जो अगला लेवल होगा कहीं ना कहीं 340 रुपए के आसपास का लेवल है। तो 340 से 360 की जो बैंड है दोस्तों, ये स्टॉक के लिए एक अच्छा सपोर्ट जोन के रूप में कामकाज कर सकता है। अगर ये स्टॉक 360 पे रुक गया तो ठीक, नहीं तो फिर ये हो सकता है आप एक बार 340 तक के दर्शन करवा दें। लेकिन अगर इस रेंज में ये स्टॉक आता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा एक्युमुलेशन होगा। अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी वापस घूम सकता है, बैंकों की सेहत वापस सुधर सकती है, हालांकि जो हैंगओवर बना हुआ है बैंकों के ऊपर लोन मॉरिटोरियम से रिलेटेड और स्ट्रेस एसेट और खासकर एनपीए के जो प्रेशर बढ़ने के संकेत आते हुए दिखाई दिए कोविड-19 के कारण, तो ये सारी चीजें जो है बैंकों की जो बुक है और खासकर जो उनके पूरे के पूरे एसेट्स लाइबिलिटी है उन सारी चीजों को प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है। तो अब बैंकों के लिए यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल हो सकता है जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। वही अगर हम बात करें टारगेट्स की तो दोस्तों, टारगेट तो थे जो कि लगभग लगभग हिट हो गए थे 200 डीएमए के, हालांकि उसके ऊपर अभी क्लोजिंग के संकेत नहीं है। जब तक 200 डीएमए के ऊपर जाके स्टॉक क्लोज नहीं हो जाता और डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं देता, और जब तक एक बड़े एवरेजेस की जो लाइन है जिसे अगर हम मानते हैं कि 50 डीएमए की लाइन भी अगर 200 डीएमए की लाइन को पॉजिटिव क्रॉसओवर देती है तो फिर कहीं ना कहीं एक अच्छा कंफर्मेशन का सिग्नल आता हुआ दिखाई देगा कि स्टॉक फिर जो है बहुत दिनों की बड़ी गिरावट के बाद एक लंबी ऊंची चाल चालू करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अभी जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर उतने ज्यादा फोकस पे नहीं है, ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग का जो सिलसिला है वो बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए 340 से 360 एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। और अपसाइड में हो सकता है रिसेंटली आपको एक बार फिर से 400 रुपए तक के लेवल जो है इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें दूसरे स्टॉक की तो दूसरे स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक का। ये स्टॉक भी 700 750 के आसपास कामकाज करता था 2020 की शुरुआत में, और उसका एक तेज गिरावट के बाद ये स्टॉक 300 रुपए के नीचे गया था। और अब फाइनली ये स्टॉक पिछले हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 532 रुपए का हाई जो था इस स्टॉक ने लगाया था रिसेंटली, और अब यहाँ पे भी पिछले 6 7 दिनों से एक तेज गिरावट देखने को मिली और आज के दिन भी यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनती हुई दिखाई दी है। दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास जाके इस स्टॉक में क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी, लगभग 444 के आसपास यहाँ पे जो है आज की क्लोजिंग आती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दी है।
लेकिन जिस तरीके से ये लेवल है, जहां से इसने रैली चालू की थी, लगभग लगभग उसने पूरी रैली को रिट्रेस कर लिया है, और ये इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट जोन बन सकता है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से तेज गिरावट देखने को मिली है एमएसईडी पे, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव क्रॉसओवर सेम टू सेम आईसीआईसीआई बैंक की तरह ही बना हुआ है, और सेम टू सेम ये भी नेगेटिव क्रॉसओवर के साथ कामकाज कर रहा है, तो यहाँ पे जो सिग्नल है वो बेरिश है। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है आपका पहले सपोर्ट जोन के आसपास आता हुआ दिख रहा है, जो कि लगभग लगभग 435 रुपए के आसपास का आपको देखने को मिलेगा, जहां से इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिया था, और उसके बाद एक अच्छी खासी जो रैली है पिछले हफ्ते से पहले जो हाई लगे थे उसके पहले दिखाता हुआ दिखाई दिया था, और पूरी की पूरी रैली पिछले 7 दिनों में इसने फिजल आउट कर ली। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के बाद एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन के आसपास आता हुआ दिख रहा है, तो 435 रुपए का वो लेवल होगा जहां पे सपोर्ट ले सकता है, 430 से 435, और अगर वो लेवल ये स्टॉक तोड़ देता है तो फिर कहीं ना कहीं ये 415 से लेकर 400 रुपए की रेंज में जा सकता है, जो कि इसके लिए एक नेक्स्ट सपोर्ट रेंज बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये स्टॉक भी जो है अच्छा खासा रिटर्न जो है आगे चल के दे सकता है, हालांकि इसका भी सेम करेक्शन पैटर्न जो है वो आईसीआईसीआई बैंक की तरह ही बना हुआ है, सारी चीजें यहाँ पे भी आपको उसी तरीके की देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पे भी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपके टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो जब तक कि अपने प्रीवियस स्विंग हाई की अगर हम बात करें, अगर रिसेंट स्विंग हाई जो था पिछले 2-3 दिनों पहले का, चार्ट पे गैप भी छोटा बनता हुआ दिखाई दिया था, लगभग 480-490 तक के जो टारगेट है शॉर्ट टर्म टारगेट की अगर हम बात करें, तो बाउंस बैक अगर होता है कोई स्टॉक में तो आप देख सकते हैं कि 480-490 के आसपास तक ये भी स्टॉक जाता हुआ आपको दिख सकता है। वहीं अगर हम बात करें अब तीसरे बैंक की, तो तीसरे बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, और तीनों बैंकों में ये सबसे मजबूत एसेट क्वालिटी के साथ आपको दिखाई देगा। तीनों बैंकों में अच्छी खासी जो होड़ है वो मची रहती है, प्राइवेट सेक्टर के तीनों ही दिग्गज बैंक है। 1740 रुपए के आसपास तक के जो हाई थे इसके 2019-20 के अंत के आसपास में आपको देखने को मिले थे, और अगर हम बात करें तो इस स्टॉक ने निचले लेवल से भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, हालांकि रिसेंटली यहाँ पे 1500 तक के लेवल देखने को मिले थे, तो बाकी बैंकों के मुकाबले इस बैंक ने आउट परफॉर्म ही किया ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन बहुत लंबे कंसोलिडेशन यहाँ पे भी आपको देखने को मिले थे, लगभग 1400 के आसपास के ऊपर के लेवल और नीचे की तरफ 1300 से 1250 के लेवल के बीच में ये स्टॉक कहीं ना कहीं पिछले 3-4 महीने से कामकाज कर रहा था। पिछले हफ्ते यहाँ पे एक अच्छी खासी ब्रेकआउट की उम्मीद हुई थी, स्टॉक ने अपने 200 DMA लेवल जो कि लगभग 1450 के आसपास था उसको भी पार किया, एक दिन क्लोजिंग भी आती हुई दिखाई दी, लेकिन उसके बाद एक बड़ी कैंडल जो थी वो उस प्रीवियस डे से भी बड़ी बनती हुई दिखाई दी, और पूरी की पूरी जो तेजी थी उसको फिजल आउट इस स्टॉक ने कर दिया, और फाइनली अब यहां पे भी करेक्शन का सिलसिला चालू हो चुका है, और गिरावट जो है वो आज के दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास होती हुई दिखाई दे रही है, 1350 रुपए के आसपास ये स्टॉक अभी फिर से आता हुआ दिखाई दे। तो ऊपरी लेवल से अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक ने कहीं ना कहीं लगभग लगभग अपने 150 रुपए झटक दिए हैं, और एक बहुत ही अच्छे जोन में अब ये वापस स्टॉक आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इस स्टॉक को प्ले करना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीका इस स्टॉक को प्ले करने का, रेंज की अपर साइड में स्टॉक को अगर आप सेल कर देते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, और रेंज की बॉटम रेंज के आसपास कहीं ना कहीं आप स्टॉक को बाय कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप यहां पे शॉर्ट टर्म में मुनाफा कमा सकते हैं। ये मेरी स्ट्रेटेजी आपको सूट होती नहीं होती है नहीं होती ये आप देख सकते हैं, हालांकि यहां पे ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है जो एक दिन में डूबने वाला तो कभी है नहीं, लेकिन यहाँ पे मजबूत फंडामेंटल, एक अच्छा पेरेंटेज, अच्छे प्रमोटर है, तो दोस्तों ये एक बड़ा बैंक बनने का मादा रखता है, और अगर आपको ये अगले 4-5 सालों में 2 गुना होता हुआ दिखाई भी दे तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये बैंक लगातार एक लंबे अच्छे खासे रिटर्न के लिए देने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक जो है अब कहीं ना कहीं अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं पहले लगभग 1325-1330 के आसपास का जो लेवल है इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन होगा, जहां पे आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर उसके बाद अगर ये स्टॉक उस लेवल को तोड़ भी देता है तो कहीं ना कहीं 1280 से 1310 के आसपास का जो लेवल है वो इस स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा खासा जो लेवल है वो आपको बनता हुआ दिखाई देगा सपोर्ट के रूप में। अब इवन की कोई बहुत ही बैड न्यूज़ जो है मार्केट में आ जाए या फिर मार्केट में कोई सर्किट लगने वाला कोई सिस्टम हो जाए तो उसकी बात यहाँ नहीं कही जा सकती कि गैप डाउन के साथ मार्केट एक बहुत ही बड़ी गैप के साथ नीचे खुल जाए, 5-10% का गैप ही सीधा आ जाए,
तो ये नहीं कह सकता, लेकिन अगर मार्केट डेली बेसिस पे स्क्रीन पर काम करता है तो इतना आसान नहीं होगा इस लेवल को तोड़ना, क्योंकि ऊपरी लेवल से भी एक तेज गिरावट देखने मिल चुकी है और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो ऐसे बैंकों को इन सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदने की डेफिनेटली कोशिश करते हैं। अब आप यहाँ पे खुद ही देखिए कि जिस व्यक्ति ने यहाँ पे पिछले एक महीने पहले 1300 1320 के आसपास एक्यूमुलेशन किया होगा, बाइंग की होगी, और उसको कुछ ही दिनों में 1500 तक के जो लेवल है इस स्टॉक में देखने को मिले, तो डेफिनेटली वो स्टॉक जिसको यहाँ पे जिसने यहाँ पे बाइंग की उसको 10 से 15% के रिटर्न अगर कुछ ही दिनों में मिले तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा। अब जिस व्यक्ति ने यहाँ पे एंट्री ली है वो डेफिनेटली फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि यहाँ से अगर गिरावट आई तो अब उसको यहाँ से प्रॉफिट होगा। अगर उसने 1450 1500 पे एंट्री ली है तो उसको इंतजार करना होगा, क्योंकि अब उसके भाव से वो स्टॉक 100 रुपये नीचे। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आपकी कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, तो हमेशा अच्छे स्टॉक को एक अच्छे लेवल पे लेने की कोशिश कीजिए, तभी आपको मुनाफा होगा। अच्छा स्टॉक भी अच्छे लेवल से रिटर्न देता है, किसी भी लेवल से आसानी से रिटर्न नहीं मिलते। हालांकि ये बात अलग है कि आपको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली रिटर्न इस स्टॉक में मिलेंगे। अब मान के चलिए जो आदमी यहाँ 1700 के भाव पे लेके खड़ा होगा, आज उसके पैसे तो फंसे हुए, या तो उसने अपने स्टॉप लॉस के साथ सौदे काटे हो, अगर नहीं काटे तो अभी भी उसका भाव नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि कभी उसका भाव वापस आएगा ही नहीं, हो सकता है 6 महीने बाद उसका वापस भाव आए, लेकिन कम से कम उसको भाव वापस मिलने में 6 महीने का समय लगेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस गिरावट का यूज करके 1100 1200 के आसपास एक्यूमुलेशन किया है वो अभी भी पॉजिटिव रिटर्न के साथ बैठा है और वो अभी भी मतलब प्रॉफिट में बैठा हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि एक अच्छे स्टॉक को सही समय में अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बनेगा, और अगर आपने अच्छे स्टॉक में गलत समय में एंट्री ली है तो आपके रिटर्न इतनी आसानी से नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, ये 3 स्टॉक थे जहाँ पे आपको एक अच्छे खासे रिटर्न जो शॉर्ट टर्म में वो बनते हुए दिखाई दे सकते हैं 10 से 15% के, अगर इस लेवल के आसपास आपकी जो भी है इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें, ये मेरी पर्सनल राय थी। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले अपने पर्सनल एडवाइजर से पूछें, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, और उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में निवेश करें, क्योंकि यहाँ पे जोखिम जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखें अगर आप एक नए इन्वेस्टर है शेयर मार्केट में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।